पांच तत्वले यातन कीन्हा सो तनले काहे को दीन्हा। कर्म ही केवश जीव कहत है, कर्म ही को जीव दीन्हा। पांच तत्वले यातन कीन्हा, पांच तत्वों को लेकर इस शरीर का निर्माण हुआ। सोतन ले काहे को दीन्हा, श्याप कहते हैं हे भाई, अब ऐसे उत्तम मनुष्य जीवन को तुम कहां पर दे रहे हो, कहां पर लगा रहे हो। कर्म ही केवल जीव कहते हैं, दुनिया के सभी महापुरुष ये कहते हैं कि जीव कर्मों के बंधनों में पड़कर भटक रहा है। कर्म संस्कार जीव को भटकने में कारण बनते हैं, परंतु आश्चर्य यही है कि कर्म ही को जीव दीन्हा। नाना मत के पुरोहित, नाना मत के अनेक गुरु लोग जीव को फिर वही कर्म बंधन में बंधने को उपदेश दे रहे हैं। पहली बात, इस साखी में सदगुरु कहते हैं पांच तत्वले यातन किन्हा, मिट्टी पानी आग हवा आकाश, इन पांच तत्वों को लेकर इस शरीर का निर्माण हुआ। यह बात अनेक बार कही जा चुकी है कि परंपरानुसार सदगुरु कबीर पांच तत्व कहते हैं, पूरा काल से पांच तत्व कहने का प्रचलन रहा है। लेकिन इन पांच तत्वों में मिट्टी पानी आग हवा ये चार ही तत्व हैं, ये क्योंकि ये चार ही द्रव्य हैं, इनमें ही गुणधर्म है, इनके ही परमाणु हैं, इनमें ही क्रिया है। आकाश शून्य है, शून्य को ही आकाश कहते हैं। आकाश के न परमाणु होते हैं और न आकाश में क्रिया होती है, इसलिए आकाश से किसी चीज का निर्माण नहीं होता, आकाश किसी चीज के निर्माण में कारण नहीं बनता है। यह अलग बात है कि सारा निर्माण आकाश में ही होता है, शून्य जगह में सारी क्रिया, सारी गतिविधि, आना जाना, वस्तुओं की स्थिति उपस्थिति सब आकाश में ही है। आकाश का अर्थ ही है अवकाश, खाली जगह, शून्य। निर्माण तो मिट्टी पानी आग हवा इन चार तत्वों से ही होता है, क्योंकि ये ही सत्तायुक्त पदार्थ हैं। आकाश सत्ययुक्त नहीं है, इसलिए पार्किंसन गुणधर्मों की जब बात आती है तब चार तत्वों का ही नाम लेते हैं। अब यह हकीकत है, जो लोग अपने को परंपरावादी मानते हैं वे लोग कहते हैं देखो कि ये पारखी लोग आकाश को तो द्रव्य ही नहीं मानते हैं,
कहते हैं ये शून्य है। लेकिन ये पारखी लोग, अब वे पारखी लोगों से मतलब नहीं है, जो हकीकत है वह किसी की थोड़े होती है, वो तो सबकी है। पहले भी ऐसे लोग रहे हैं, गीता में ही जब आत्मा के मर्ग तक बात है, वहां जो कहा गया है कि नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन तापो न शोष्यति मारुतः, वहां आकाश का नाम में लिया गया। परंपरा में कहने प्रसंग अनुसार से वहां पांच तत्व कह दिया जाता है। ऐति साहब ने धरती कहे मोहि मिल जाई, पवन कहे संगले उड़ाई, अग्नि कहे मैं इतन जारों, पानी कहे मैं जाए तो उबारा, ये चार तत्व के नाम देते हैं। और ले या न ले, जो हकीकत तो हकीकत है। तो परंपरा अनुसार यहां साहब ये कहते हैं कि पांच तत्व ले यातन की न, जीव के कर्मानुसार माता पिता के संयोग से पंच तत्वों से इस शरीर का निर्माण हुआ। सबके शरीर का निर्माण पांच तत्वों से होता है। मनुष्य शरीर ज्ञान भूमिका है, कल्याण भूमिका है, कर्म भूमिका है, अन्य जो शरीर है उनमें ज्ञान को उद्घाटन नहीं हो सकता, वहां केवल अपने कर्मों के ही फल भोग भोगने हैं। चाहे कहते तुम्हें ऐसा उत्तम मनुष्य जीवन मिला जो कर्म भूमिका है, जागरण की भूमिका है, यहां पूरा विवेक उदय हो सकता है। हे भाई, तुम ऐसे उत्तम मनुष्य जीवन को ले जाकर के कहां पर डाल रहे हो? सर्वाधिक आदमी ही उलझा हुआ रहता है। अन्य पशु पक्षी कृमि कीट आदि उलझे नहीं है, वे कोई गलत काम नहीं करते, कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे दूसरों को कष्ट हो। उनमें कुछ है भी जो हिंसक पशु, वे बैर विरोधवश किसी की हिंसा हत्या नहीं करते। उन्हें भूख लगती है तो भूख निवारण के लिए वे अन्य जानवरों को मार करके खा जाते हैं। ये हमारे विरोधी हैं, इन्होंने हमारा अपमान किया, इन्होंने हमारा ऐसा नुकसान किया, इसलिए बदला लेने की भावना से वे कोई काम नहीं करते। तो परोपकार रह करके भी वो कोई काम नहीं करते हैं, उनका जो है सब सहज है। सांप बिच्छू आदि हैं, काट सिर देते हैं, तो सहजतया सांप बिच्छू किसी को काटते नहीं है। उन्हें जब ये लगता है कि मुझ पर खतरा हो रहा है तो अपने प्राण रक्षा के लिए सांप काटते हैं, बिच्छू डंक मार देते हैं, या सांप अन्य प्राणियों को ये करते हैं तो अपने आहार के लिए फूंक मार के जहर मारकर उसको काट ले करके सुन कर देता, फिर खा लेता है। तो वहां उनका जो भी है सब सहज है, प्राकृतिक, न उनमें दया की भावना है, न उनमें क्रोध की भावना है, न किसी का अपकार करना है, न किसी का उपकार करना है। मनुष्य ही समझ सकता है उपकार और अपकार क्या है, दया और क्रोध क्या है, क्या कल्याण का रास्ता है, क्या बंधन का रास्ता है, क्या सुलझने का रास्ता है और क्या उलझने का रास्ता है। ये मनुष्य जीवन सुलझने के लिए, बंधन काटने के लिए, मोक्ष के लिए मिले, लेकिन साहब कहते हैं भाई तुम इसे कहां ले जा रहे हो, कहां पर डाल रहे हो,
आदमी इस शरीर को भोग का साधन मान लेता है और भोग का साधन मानकर जीवन पर्यंत भोगों में ही उलझा रह जाता है। उससे भोगों से हटने के कल्याण की बात वो सोच ही नहीं पाता है। दूसरे का अपकार करने में, दूसरों को दुख देने में, लूटने में, ठगने में कितनी मेहनत करता है आदमी। करना चाहिए था उपकार तो करता है अपकार। इसलिए साहब कहते हैं ऐसा उत्तम शरीर तुम्हें मिला तो अब उसे ले जाकर के कहां पर डाल रहे हो, कहां पर लगा रहे हो? अभी जरा सोचो तो। ये सोचने का काम केवल आदमी ही कर सकता है, लेकिन आदमी सोचता कहां है? कर्म ही केवल जीव कहते हैं। सभी धर्म ग्रंथ, सभी महापुरुष ये कहते हैं कि जीव कर्मों के बंधनों में बंध करके भटक रहा है। जीव के पास कर्मों के संस्कार न होते तो ये भटकते नहीं। जो कुछ शुभाशुभ कर लिया जाता है मनुष्य शरीर में वे ही भटकने के, आवागमन के, जन्म मरण के कारण बनते हैं। अशुभ कर्म तो कारण बनते ही हैं, शुभ कर्म भी कारण बनते हैं। पाप बंधन का कारण है तो पुण्य भी बंधन का ही कारण है। ये जरूर है कि पाप से दुख मिलता है और पुण्य से सुख मिलता है, लेकिन है भी तो भटकने के ही कारण। जहां सकाम भावना है, सकाम भावना पूर्वक चाहे पाप किया जाए चाहे पुण्य किया जाए, वो सकाम भावना भटकने का ही कारण बनती है। हमारे परिवार वालों को सुख मिले, हमारे धन दौलत की वृद्धि हो, मैं स्वयं स्वस्थ निरोग रहूं, परिवार वाले निरोग रहें, और मरने के बाद हमारी अच्छी गति हो, हमें स्वर्ग मिले, मरने के बाद भी सुख मिले, इस भावना से आदमी पुण्य करता है तो वहां तो एक कामना काम कर रही है। और कामने का अर्थ होगा भटकना। तो चाहे पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, दोनों भटकने के कारण बनते हैं। यद्यपि पापी मनुष्य आज दुखी रहता है, अशांत पीड़ित रहता है, उसे आगे भी रहना है। पुण्यात्मा आज शांत रहता है, संतुष्ट रहता है, उसके मन में कोई तनाव भार नहीं रहता। लेकिन सकाम भावना से किया गया पुण्य कर्म तो वह भी भटकने का कारण बनेगा। तो साहब कहते हैं कि अनादिकाल से ये जीव कर्मों के वशीभूत होकर के भटक रहा है, और भटकना तभी हो उसका बंद होगा जब ये कर्म प्रपंच से ऊपर उठ जाएगा। कर्म प्रपंच से ऊपर उठने का अर्थ यह नहीं है कि काम करना बंद कर दे। बिना काम किए तो जीवन ही नहीं चल सकता, और कुछ हो या ना हो अपना पेट तो भरना पड़ेगा। भूख लगेगी तो खाना पड़ेगा, और खाना है तो काम करना पड़ेगा। लेकिन काम करते हुए भी उन कर्मों में लिपायमान न हो, कहीं आसक्त न हो, कोई सकाम भावना न हो। इसीलिए इस आश्रम निषद में कहा गया कुर्वन नेवे कर्माणि जिजी विभेद क्षतम समा एवं तुई नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करे, अर्थ है कि पूरा जीवन कर्म करते हुए जिए। कर्म करने के अलावा
कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन ऋषि ये भी कहते हैं न कर्म लिप्यते नरे, कर्म तो करो लेकिन कर्मों में लिपाय मान न हो जाओ। तुम नर हो, और नर का अर्थ होता है जो कहीं रमन न करे, न से अर्थ है निषेध नहीं, और रमन और र का अर्थ है रमन, रमन का अर्थ है आसक्त मोहग्रस्त हो जाना। नर कौन? जो कहीं आसक्त न हो, कहीं मोहग्रस्त न हो, कहीं लिपाय मान न हो, वही नर। चाहे पते तुम नर हो, कर्म तो करो लेकिन कहीं लिपाय मान न हो जाओ, कहीं आसक्त न हो जाओ। और आसक्त होने का अर्थ है सकाम भावना, क्योंकि कामना जहां होगी वहां आसक्ति बनती ही जाएगी, मुंह बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा और फिर भटकना फिर शुरू होगा। तो काम तो करना पड़ेगा जब तक जीवन है तब तक, लेकिन कहीं लिपाय मान ना हो, आसक्ति ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। तो जीव कर्मों संस्कार वह भटक रहा है, लेकिन नाना मत के गुरु लोग आज भी जीवों को कर्म प्रपंच का ही उपदेश दे रहे हैं। ये काम करो तो ये फल मिलेगा, ये काम करो तो ये फल मिलेगा, ऐसा काम करोगे तो ये सुख मिलेगा, ऐसा यज्ञ करोगे तो ऐसा फल मिलेगा। बस कर्म प्रपंच से ऊपर उठ करके जो निष्प्रपंच निष्कर्म जो आत्मस्वरूप है उसका बोध नहीं है। प्रत्यक्ष इंद्रिय भोग और परोक्ष स्वर्ग आदि की कल्पना, इनको पाने के लिए ही कर्मों का उपदेश है। सबसे सारे कर्मों से ऊपर उठ करके अप्रोक्ष जो आत्मबोध है उसका उपदेश ये नाना मत के गुरु लोग कहां देते हैं? अब उसमें स्थित हुए बिना दुखों से सर्वथा निवृत्ति हो ही नहीं सकती। इसमें मूल भी कारण है, जो पुरोहित हैं उनका तो काम ही है कर्मकांड करवाना, उनसे ही उनका धंधा चलता है, वही उनकी आजीविका का साधन है। वे तो चाहते हैं कि लोग हमसे बराबर कर्मकांड करवाते रहें ताकि हमारी अधिक से अधिक पूजा होती रहे, हमें पूजा मिलती रहे, दक्षिणा मिलती रहे। अन्य और जो गुरु लोग हैं उन्हें स्वयं ही स्वरूप बोध नहीं है, तो जब उन्हें स्वयं ही स्वरूप बोध नहीं है तो जीवों को उसको उपदेश कैसे देंगे? तो पांच तत्वों से इस मनुष्य शरीर का निर्माण हुआ, लेकिन इस कीमत न जानने के कारण ये जीव इसे नाना विषय वासनाओं में कल्पनाओं में झोंक देता है, कल्पना और वासना के पीछे दौड़ता रहता है। कर्म संस्कारों के वश इस शरीर का निर्माण हुआ, लेकिन स्वरूप बोध रहित पुरोहित और पंडित गुरु लोग उसे नाना प्रकार के कर्मों में ही जकड़ देते हैं, जिससे जी को भटकना चालू रहता है। फिर पांच तत्व के भीतरे गुप्त वस्तु स्थान बिरला मर्म कोई पाई है गुरु के शब्द प्रमाण। सदगुरु कहते हैं पांच तत्व के भीतरे, पांच तत्वों से निर्मित इस शरीर के भीतर एक गुप्त वस्तु का स्थान है। वह गुप्त वस्तु जल्दी दिखाई नहीं पड़ती, जानने में नहीं आती। बिरला मर्म कोई पाई है गुरु के शब्द प्रमाण, गुरु के निर्णय वचनों के प्रमाण से कोई बिरला ही उसका मर्म उसका रहस्य भेद जान सकता है। पांच तत्व के भीतर गुप्त वस्तु स्थान, साहब कहते हैं कि
पांच तत्वों से निर्मित शरीर के भीतर एक गुप्त वस्तु है, समान रूप से वह दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन वही सार है। बहुत लोग कहते हैं कि जो दिखाई नहीं पड़ता उस पर विश्वास कैसे करें, उसे कैसे माने। ये ठीक है, लेकिन जो दिखाई नहीं पड़ती पड़ता वो नहीं, ऐसा नहीं है। आंखों से तो केवल हम रूप विषय को देखते हैं, शब्द ही आंख से कहां दिखाई पड़ता है। कोई किसी को गाली दे और गाली सुनकर के वह क्रुद्ध हो जाए, कहते तुम मुझे गाली देते हो, ऐसा करते हो तो कहे कि गाली देते कहां है, गाली दिखा मुझे, तुम देखे हो गाली को, तो क्या कहेगा वो, कहेगा कि मैंने सुने ही अपने कान से। भाई कान से सुना है, देखा तो नहीं आंख से। स्वाद दिखाई कहां पड़ता है, गंध भी दिखाई नहीं पड़ते आंख से, लेकिन हम इन्हें मानते हैं। ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, आंख से दिखाई तो नहीं पड़ते। तो सारा का सारा आंख से दिखाई नहीं पड़ता है, हवा ही चलती है, हवा दिखाई कहां पड़ती है। बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देती है हवा, बहुत तोड़फोड़ करती है, लेकिन इतना होने पर भी वो दिखाई थोड़े पड़ते हैं। हवा में उड़ते हुए धूल गर्दा पत्ता लकड़ी कपड़ा कागज इसको देखते हैं तो वो थोड़े हवा है, वो तो हवा में उड़ रहे हैं। तो जो दिखाई पड़ता है वही सत्य और जो दिखाई नहीं पड़ता वो असत, ऐसा नहीं है। और जो दिखाई पड़ रहा है वो दिखाई नहीं पड़ने वाले के आधार पर ही तो टीका है। ये मकान दिखाई पड़ता है, इसकी नींव दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन ये दिखाई पड़ने वाला मकान न दिखाई पड़ने वाली नींव के आधार पर ही टीका है। नींव को खोद करके बाहर फेंक दो तो मकान कब तक टिकेगा। पेड़ दिखाई पड़ता है, जड़ दिखाई नहीं पड़ती, उसी जड़ के आधार पर ही पेड़ टिका है। ऐसे ही ये गुप्त वस्तु जीव दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन उसी के आधार पर ही ये शरीर चल रहा है। वही ना हो तो शरीर चलेगा कैसे, बस जीव निकल जाता है, कुछ ही घंटे में ये शरीर सड़ने लगता है। एक आध दिन रख लो तो सड़ करके गंधाने लग जाता है। तो मुख्य महत्व की वस्तु तो जीव ही है। वो आंखों से देखने का नहीं है, लेकिन मैं हूं इस रूप से उसका बोध हर किसी को हो रहा है। सामान्य आदमी भी जानता है कि मकान और मकान में रहने वाला ये दोनों एक नहीं है, गाड़ी और गाड़ी का ड्राइवर दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। ऐसे ही शरीर और शरीर में रहने वाला, शरीर का संचालक एक नहीं है, अलग अलग है। तो पांच तत्व के भीतर गुप्त वस्तु स्थान सदगुरु कबीर कहते हैं कि पांच तत्वों से निर्मित इस शरीर के भीतर एक गुप्त वस्तु का स्थान है, गुप्त वस्तु का निवास होता है, और गुप्त वस्तु है चेतन, और वह शरीर से सर्वथा अलग है, क्योंकि शरीर तो जड़ तत्वों से निर्मित है और चेतन जड़ तत्वों से सर्वथा विलक्षण है। समान रूप से आदमी दिखाई पड़ते हुए शरीर को ही अपना आपा मान लेता है कि मैं ये शरीर हूं। शरीर प्रति मोह बुद्धि हो जाती है, फिर भोग बुद्धि होती है, फिर भोग में मूलतः चला जाता है। मैं जीव हूं, मैं चेतन हूं, शरीर से अलग हूं, इसका ज्ञान
तो संत और गुरु के उपदेश से ही होता है। इसलिए साहब कहते हैं बिरला मर्म कोई पाई है गुरु के शब्द प्रमाण, गुरु के निर्णय वचनों के प्रमाण से किसी किसी को बिरले को ही इस जीव के स्वरूप का सही सही बोध हो सकता है। सच्चे गुरु मिले जिन्हें अप्रोक्ष आत्मबोध हो, जो सच्चे निर्णयी हो, नहीं तो ऐसे भी गुरु हैं जो ये कहते रहते हैं कि जी तो अंशी है, किंचिज्ञ है, परिच्छिन्न है, प्रतिबिंब है। तो ऐसे गुरु के उपदेश से भी सच्चा बोध नहीं होगा। जो निर्णय करने वाला हर बात को एकदम खोल खोल के निर्णय करके परखाते हो, ऐसे गुरु के बोध से ही, ज्ञान से ही इस आत्म तत्व का सही सही बोध हो सकता है। यद्यपि जीव स्वरूपता ज्ञान स्वरूप है, लेकिन ज्ञान स्वरूप होते हुए भी देहाभिमान के कारण अपना बोध नहीं हो पाता है। अपना बोध होने के लिए तो सब तरफ से दृष्टि लौटानी पड़ेगी। जब सारा अहंकार त्याग कर विनम्रता पूर्वक सच्चे बोध वैराग्यवान सद्गुरु की शरण में जाकर उनके उपदेश में मन लगाया जाएगा और वासनाओं का त्याग करके भीतर की तरफ दृष्टि की जाएगी, तभी अपने आप का बोध हो सकता है। अब जिसे उसका बोध हो जाता है, फिर उस रहनी में टिक जाता, वह दुखों से मुक्त हो जाता है। असुन्न तखत अरियासना पिंड झरोखे नूर, जाके दिल में हों बसा सेना लिए हजूर। अशुन जो शून्य न हो, सत्य पदार्थ, तखत सिंहासन, अड़ी का अर्थ है अडिग, आसन तो आसन है ही। यह सत्य स्वरूप चेतन अडिग रूप से हृदय सिंहासन पर आरूढ़ है, बैठा हुआ है। पिंड झरोखे नूर और शरीर के इंद्रिय झरोखों से उसका ज्ञान प्रकाश बाहर फैल रहा है, या वह जीव इंद्रिय झरोखों के माध्यम से अपना ज्ञान प्रकाश फैला रखा है। जाके दिल में हो बसा, यहां जाके का अर्थ है जिसके, यहां या जिस, तो यहां जाके से अर्थ केवल किसी एक के लिए नहीं है, किंतु अर्थ है सबके, सभी के दिल में हों मैं कहने वाला यह चेतन बसा हुआ है। कैसे बसा हुआ है? सेना लिए हजूर, ज्ञान की सेना लेकर के, ज्ञान का फौज लेकर के यह बसा हुआ है। और यह हजूर है, नित्य उपस्थित है और सबका स्वामी यही है। असुन तखत अड़ियासना, असुन शून्य जिसकी सत्ता ना हो, और यहां असुन्न है शून्य से रहित, जो शून्य ना हो, सीधा अर्थ है जो सत्य हो, जिस सत्तावान हो, पदार्थ हो, गुण धर्म युक्त हो। और ऐसा पदार्थ कौन है? ये आत्मतत्व जीव चेतन। तब तक अर्थ बताया गया कि सिंहासन, तो ये जीव अविचल रूप से हृदय सिंहासन में विराजमान होता है।
या ऐसा भी कह सकते हैं जीव की अविचल स्थिति अपने आप में सत्य पदार्थ में ही होती है, वो चेतन है। ऐसे साहब ने भी कहा है कि शब्द में आया है कहो तो कोपति आई इस घर के, तो वहां भी कहा है कि उसी का ही प्रकाश इंद्रिय झरोखों के चिमिक चिमिक चिमके दिस अर बढ़ा छिरी आई। दो इंद्रियों के माध्यम से उसकी किरणें फैलती है और चारों तरफ वो किरणें फैली हुई हैं। सीधा अर्थ यह है कि पूरे जीवन भर जीव अडिग होकर के हृदय सिंहासन पर विराजमान रहता है। ऐसा नहीं होता है कि जीवन में जीव कभी कुछ समय के लिए, कुछ घंटे के लिए या कुछ दिन के लिए या महीने के लिए शरीर छोड़कर कहीं अलग चला जाता है। कितना बड़ा राजा बादशाह क्यों ना हो, राजगद्दी पाने के लिए, बादशाही पाने के लिए, सिंहासन पाने के लिए जितने खूब मार काट, हिंसा हत्या लूट किया, लड़ाई झगड़ा किया, वह भी अपने सिंहासन पर चौबीसों घंटे नहीं बैठा रहता है। जब राज का चलाने का होता है तब अपने आता है राज दरबार में और सिंहासन पर बैठता है, बाकी अपना काम धाम करता है, विश्राम करता है, अपने राजभवन में रहता है। लेकिन जब तक जीवन है तब तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक, यह जीव कभी भी शरीर को छोड़कर कहीं जाता नहीं है। वो गया तो फिर लौट करके आता नहीं, एक बार निकल गया इससे तो फिर इसमें आने का कोई चांस नहीं है, आ ही नहीं सकता। निकलता तभी है जब प्रारब्ध पूरा होता है, इसलिए अडिग रूप से हृदय सिंहासन पर विराजमान रहता है। और इसी के ज्ञान की किरणें इंद्रिय झरोखों के माध्यम से बाहर फैलती है। जहां तक ज्ञान दिखाई पड़ रहा है सभी चेतन का ही तो प्रकाश है, आंखों से रूप देखता है, कानों से शब्द सुनता है, नाक से गंध सूंघता है, जीभ से चखता है, त्वचा से स्पर्श करता है, मन से सोचता है। कहीं दीपक जलता हो तभी तो उसका प्रकाश बाहर फैलेगा। कितना बड़ा मकान हो उसमें दीपक न जलाए या बिजली बत्ती न जलाए तो उसमें से प्रकाश कैसे आ सकता है? प्रकाश दरवाजे से झरोखों से तभी दिखाई पड़ेगा जब उसमें कोई दीपक जल रहा हो। वैसे ही शरीर में जब चेतन निवास करता है तभी उसका ज्ञान प्रकाश इंद्रियों के माध्यम से बाहर फैलता है। जाके दिल में हौं बसा छेना लिए, हजूर साहब कहते हैं जाके दिल में। यहां जाके तात्पर्य है सभी के दिल में, हर शरीर के भीतर मैं रूप में इस चेतन का निवास है। सभी शरीर से मैं का बोध होता रहता, मैं को केंद्र में रख करके ही तो सब लोग काम करते हैं। जो कुछ ये जीव काम करता है स्वयं को ही केंद्र में रख करके करता है। तो सभी चेतन अलग अलग हैं और सभी शरीर में चेतन का निवास है। जीव अलग अलग जरूर है लेकिन मैंपन का बोध सब में एक समान होता है, ज्ञान गुण सब में एक समान है। इसलिए सभी चेतन में जो एक समान ज्ञान गुण है इसीलिए लोग ब्रह्मवादी लोग कह देते हैं कि चेतन एक है। एक चेतन नहीं है, अनेक है, गुण एक समान है। और वही अपने ज्ञान किसी ना लेकर के इस जीव में, इस शरीर में निवास करता है। जीव का
अपना वास्तविक निधान, वास्तविक आश्रय स्थल तो उसका अपना ही स्वरूप है। जहां का पद तहां समाई साहब कहते हैं, हर पदार्थ की स्थिति अपने आप में ही होती है। कोई आदमी हो, कहीं काम करने के लिए बाहर गया हुआ हो, और जब वो काम करके एकदम थक करके अपने घर आता है तो कितना उसे विश्राम मिलता है, निश्चिंत तो हो जाता अपने घर पहुंच करके। ऐसे ही जीव जब सब तरफ से अपने आप को समेट लेता है, बाहर से लौट करके अपने आप में स्थित हो जाता है, तभी ये पूरी तरह से निश्चिंत तो होता है, पूरा विश्राम मिलता है। दूसरे के मकान में उतना विश्राम नहीं मिलता, उतनी निश्चिंतता नहीं होती, वहां तो सावधानी पूर्वक रहना पड़ता है। पूरी निश्चिंतता अपने निवास स्थल में ही होती है, वहीं पूरा विश्राम मिल पाता है। ऐसे बाहर चाहे जो कुछ मिल जाए, पूरा विश्राम नहीं मिलेगा, निश्चिंतता नहीं मिलेगी। निश्चिंतता तो अपने आत्मस्वरूप में लौटने में ही है, वही जीव का अपना आश्रय स्थल है, लेकिन उसका ही ज्ञान नहीं हो पाता है। साहब कहते हैं, तुम शून्य नहीं हो, सत्ययुक्त सत्य पदार्थ हो, तुम्हारे ही ज्ञान की किरणें पूरी दुनिया में फैली हुई है। तुम ज्ञान स्वरूप हो, इसलिए अपने ज्ञान स्वरूप को जानकर अपने आप में लौट कर आकर के उसी में ही पूरा विश्राम लो। वैसे शरीर में भी रहते रहते भी जब तक ये जीव बाहर से समेट कर अपने आप में नहीं हो जाएगा, तब तक कहते होगा, जैसे साहब कहते हैं कि ये हृदय ही जीव का आश्रय स्थल है, वही सिंहासन है, और सिंहासन पर राजा बैठ गया तो निश्चिंत हो गया, और जब तक उससे अलग रहता है तब तक वो पूरा निश्चिंत नहीं रहता। ऐसे ही जब तक हमारा लक्ष्य बाहर भटकता रहता है तब तक निश्चिंतता नहीं रहती। इसलिए साहब ने कहा कि जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख नाही, तब दिल पर दिल नहीं होगा तब तक पूरा सुख नहीं मिलेगा। बाहर जो सुख मिलेगा आधा अधूरा मिलेगा, जब दिल पर दिल हो जाता है, लक्ष्य बाहर से समेट कर दिल पर हो गया, अपने आप पर हो गया, सब तरफ लक्ष्य समेट करके अपने आत्मस्थित आत्म केंद्रित हो गया, तब सब सुख की प्राप्ति होती है। हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए, मुख तो तब ही देखी हो जब दिल की दुविधा जाए। हृदय भीतर आरसी, हर मनुष्य के हृदय में दीपक दर्पण है, विवेक का दर्पण है, परंतु मुख देखा नहीं जाए, उसमें अपना मुख अपना वास्तविक चेहरा देखा नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि दिल में दुविधा है। मुख तो तभी देखियो जब दिल की दुविधा जाए, अपना वास्तविक चेहरा तो विवेक दर्पण में तभी देखा जा सकता है जब दिल की सारी दुविधा समाप्त हो जाए। पहली बात साहब इसमें कहते हैं, हृदय भीतर आरसी, हर मनुष्य के हृदय में ज्ञान का दर्पण है, विवेक का दर्पण है। विवेक ही तो मनुष्य का मनुष्यत्व है, जिसमें विवेक नहीं है उसे सही अर्थों में मनुष्य कैसे कहा जाए? वो भी पशु के समान खाली जी खा रहा है। जो सार असार को परखता है, परख करके असार को छोड़कर सार ग्रहण करता है, स्वपर को परखता है, अपर की आसक्ति छोड़ करके स्व में स्थित होता है, वही तो मनुष्य है। और जो विवेक में स्थित है, विवेक में जागृत है, सब समय विवेक पूर्वक काम करता है,
वह दुखी कैसे होगा, वह शोकित कैसे होगा। बड़ी सी बड़ी विपत्ति उसे विचलित नहीं कर सकती है। विवेक ऐसा कवच है जो बाहर के सारे वार प्रहार को झेल लेता है और हमारी पूरी तरह से सुरक्षा करता है। हृदय में विवेक का दर्पण है, जैसे दर्पण में आदमी अपना चेहरा देखता है, ऐसे ही विवेक द्वारा आदमी अपने आप के वास्तविक चेहरे को, स्वस्वरूप को ठीक से समझ सकता है। तो प्रश्न यह होता है, जब हृदय में ही विवेक दर्पण है तब ये जीव अपने आप को ठीक से समझता क्यों नहीं, थे आत्मज्ञान क्यों नहीं होता है। उत्तर यह है कि पहली बात तो एक, वह उधर ध्यान नहीं देता। दूसरी बात, दर्पण साफ नहीं है, विवेक कमजोर है। जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मान जात रही है, और दर्पण में लागी काई तो दर्द कहां से पाई। अनेक प्रकार के मैल आवरण के कारण ये विवेक दर्पण ढक गया है। दर्पण में मैल जमा हुआ हो तो चेहरा ही कैसे दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही पहली बात यह कि हम लोग अपनी तरफ ध्यान नहीं देते। दूसरी बात है, दिल में अनेक प्रकार के मैल हैं, अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं, विषयाशक्ति है, ये सब का आवरण है। और जब तक ये आवरण दूर नहीं होगा तब तक पूरा स्वरूप ज्ञान नहीं हो सकता है। दर्पण को पूरी तरह से स्वच्छ करना होगा। तो बाहर का दर्पण तो स्वच्छ करना आदमी जानता है, जरा तभी दाग लग जाता है कपड़ा से या पानी से तुरंत पोंछ देता है। लेकिन हृदय दर्पण में जो मैल जमे हुए हैं, आवरण पड़े हुए हैं, उधर आदमी कहां ध्यान देता है। इसे साहब कहते हैं कि जब दिल की पूरी दुविधा मिट जाएगी तब अपना चेहरा, वास्तविक चेहरा, आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। इसलिए संत लोग कहते हैं कि स्वरूप बोध होने में मुख्य तीन रोड़े हैं, उसको उन्होंने लाक्षणिक भाषा में कहा है, मल, विक्षेप और आवरण। मल है विषयाशक्ति, विक्षेप है चित्त की चंचलता, आवरण है स्वरूप का अज्ञान। इसको हम स्थूल अर्थ में दृष्टि से इस रूप से समझते हैं, समझ सकते हैं, जैसे कोई स्वच्छ सरोवर हो, विशाल सरोवर, और स्वच्छ पानी भरा हुआ हो, एकदम साफ निर्मल पानी। वहां पर हम गए, उसके किनारे खड़े हुए तो हमारा प्रतिबिंब एकदम साफ दिखाई पड़ता है। कहीं उसमें कोई दाग नहीं दिखाई पड़ता, साफ पानी है, साफ चेहरा है, तो जो कहते वहां दिखाई पड़ता है। लेकिन किसी कारण से पानी में गंदगी आ जाती है, मिट्टी घुलकर आ गई या कुछ कचरा उभर कर के ऊपर आ गया तो चेहरा दिखाई नहीं पड़ता। वर्षा होती है, बाहर की गंदगी बह करके जाती है, पानी गंदा हो जाता है, मटमैला, तो चेहरा दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए पानी का मैल रहित, गंदगी रहित होना जरूरी है, तभी उसमें दिखाई पड़ेगा। गंदगी तो नहीं है पानी में, एकदम स्वच्छ है पानी, कहीं तो कचरा नहीं आया, लेकिन तेज हवा चल रही है, लहर पर लहर उठ रही है, ऐसे में भी
चेहरा दिखाई, प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा हिलता हुआ दिखाई, साफ दिखाई नहीं पड़ेगा। हवा भी नहीं है, पानी स्वच्छ है, लेकिन आवरण है काई, शैवाल जमे हुए हैं, तो भी कैसे दिखाई पड़ेगा। तो तीन बातें हैं, पानी में कोई कचड़ा ना हो, तरंग ना हो और काई ना हो, तब उस सरोवर के स्वच्छ पानी में अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही हमारा अंतःकरण एक सरोवर के समान है, इसमें हमारा दिल एक सरोवर के समान है, जिसमें हम अपने वास्तविक स्वरूप को देख समझ सकते हैं। लेकिन पहली बात काई, पहली बात है कचरा, विषयाशक्त, विषय वासना की प्रबलता है, मोह माया की प्रबलता है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या घृणा, अनेक प्रकार के मनोविकार के कचड़े इसमें हैं। तो जब तक मनोविकार रहेंगे तब तक आत्मबोध नहीं हो सकता। मनोविकारों को दूर कर लिया गया, मनोविकारों पर संयम कर लिया गया, लेकिन चित्त चंचल है, किसी एक विषय पर स्थिर होता ही नहीं, चित हमेशा दौड़ता रहता है, एक दूसरे दूसरे तीसरे विषय को सोचता ही रहता है, शांत होता ही नहीं है। तो जब चित्त ही शांत नहीं होगा, मन एकाग्र ही नहीं होगा, तो आत्मबोध कैसे होगा। वैराग्य द्वारा उसे दूर भी कर लिए कि स्वरूप का अज्ञान, समझते हैं कि मैं किसी परमात्मा का अंश हूं, परमात्मा से निकला हूं, मैं किंचिज्ञ प्रच्छिन्न हूं, मुझ में कोई शक्ति नहीं है, मेरे करने से कुछ नहीं होगा, विवेक विचार शक्ति मुझ में है ही नहीं, इस प्रकार का ज्ञान है तो भी स्वरूप बोध नहीं होगा। इसलिए कोई आवरण ना हो, तो मल विक्षेप और आवरण, ये तीनों से जब अंतःकरण रहित होता है, एकदम स्वच्छ, तब पूरा स्वरूप बोध होगा, आत्म साक्षात्कार होगा। सद्गुरु श्री विशाल साहब ने कहा है, संस्कार है शुद्ध जब हटे दृश्य से भाव, सत्य शोध तब जीव कर प्रिय धर्म गुरु राम। जब अपने संस्कार एकदम शुद्ध हो, अशुद्ध संस्कार ना हो, शुद्ध संस्कार। दूसरी बात, हटे दृश्य से भाव, दृश्य से अपनी प्रियता हटे, जो कुछ दिखाई पड़ता है इंद्रियों से जानने में जो कुछ आता है उनके प्रति राग है, आसक्ति है, तो प्रियता हट जाए, आसक्ति हटे। और ये जब दोनों हो गए, संस्कार शुद्ध हुए, दृश्य मात्र के प्रति आसक्ति प्रियता मिट गई, फिर धर्म और संत गुरुजनों के प्रति श्रद्धा हुई, संत गुरुजन धर्म की बात, विवेक वैराग की बात, संत गुरुजनों की बात अच्छे लगने लगी हुई लगी, उसके प्रति प्रियता हुई, तब ये जीव सत स्वरूप का शोध कर पाएगा। दूसरे साखी में कहते हैं, अंतस्थिर ज्वाला रहित अभय न चिंता जब, फिक्र रहित मन निरस जह शोध यथारथ तब। अंतस्थिर हो, अंतःकरण शांत हो, ज्वाला रहित, काम क्रोध आदि की ज्वाला से रहित हो, विषय वासना की ज्वाला से रहित हो, अभय, किसी प्रकार का भय न हो। शरीर छूट जाएगा तो क्या होगा, प्रिय का वियोग होगा तो क्या होगा, कहीं शत्रु मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, रोग लग जाएगा तो क्या होगा, ऐसा कोई भय ना हो और कोई चिंता ना हो, निर्भयता हो और निश्चिंतता हो, फिक्र रहित मन निरस जब, सारे संदेह से रहित और मन निरस,
एकदम रूखा रूखा हो जाए संसार से, एकदम रूखा, कहीं मन में संसार का आकर्षण न हो, पूरी तरह से विकर्षण हो जाए, शोध है सारा, तब तब यथार्थ स्वरूप का शोध होगा। तो चाहे कहते हैं कि हर मनुष्य के हृदय में विवेक का दर्पण है, परंतु मनुष्य उसमें अपना आत्म साक्षात्कार नहीं कर रहा, स्वरूप को देख नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि दिल में दुविधा है। जब दिल की दुविधा मिट जाएगी तब आत्म साक्षात्कार हो सकेगा। दुविधा दो विधा, दो प्रकार, दो तरफा, किसी एक बात में मन का टीक ना पाना, ये सच कि वो सच, ये करूं कि वो करूं, दुविधा में लोग पड़े रह जाते हैं। महात्मा लोग कहते तो हैं कि शरीर अलग है और जीव अलग है, शरीर जड़ है, जीव चेतन है। तो महात्मा लोग कहते हैं तो महात्मा लोग झूठ थोड़े बोलेंगे, झूठ बोलकर उन्हें क्या लाभ मिलेगा? इसलिए जीव ही सही होगा, शरीर तो झूठ है, लेकिन खाली कहा भर जाता है जी शरीर, जी सत्य सत्य करो, दिखाई तो पड़ता नहीं है, वो दिखाई तो शरीर ही पड़ता है, तो शरीर को भी हम झूठ कैसे माने? इसलिए महात्मा की बात को भी झूठ नहीं कर सकते और शरीर को भी झूठ नहीं कर सकते, ये भी सच वो भी सच, तब तो फिर गया काम से, ऐसे होता है, द्विधापन मिट नहीं पाता है। बैराग मुझसे करूं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? अब बिना बैराग किए बंधन कटेगा नहीं, दुख निवृत्ति होगी नहीं, लेकिन बैराग का काम भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, द्विधा में पड़ा हुआ है चित्त, तो एक तरफा नहीं हो पाता है, संदेह रहित नहीं हो पाता है। अगर धर्म मार्ग के अनेक प्रकार के शब्द जाल हैं, इनसे ऊपर उठ नहीं पाता। बड़े बड़े महात्मा लोग कहते आ रहे हैं तो झूठ थोड़े होगा, बड़ी बड़ी पोथियों में बात लिखी है तो झूठ थोड़े होगी। तो ये द्विधापना मिट नहीं पाता है, इसलिए कहते हैं कि स्वरूप का बोध आत्म साक्षात्कार तभी होगा जब दिल द्विधा रहित हो जाएगा, पूर्ण संदेह रहित, निश्चिंत बोध होगा। यद्यपि शक्ति हर जीव के पास है, लेकिन जीव द्विधा का, मनुष्य जीव द्विधा का त्याग नहीं करता, इसलिए ज्ञान स्वरूप होते हुए भी, सब शोधन करते हुए भी, वो अपने आप को शोधन नहीं कर पाता, अपने आप से दूर का दूर ही रह जाता है। और जिसकी दिल की द्विधा मिट जाती है, सारे संदेह का त्याग कर दिया, बाहर से लौट कर आ गया, बस आत्मस्थित हो गया। गांव ऊंचे पहाड़ पर अव मोटा की बांह, कबीर ठाकुर से ये उबरिए जाकी छां। गांव विश्राम स्थल ऊंचे पहाड़ पर है, वहां जाना है, लेकिन वहां जाने की अपनी हिम्मत नहीं है, इसलिए ताकते हैं तुम मोटे की बांह पकड़ो, जो तुमसे जो श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, जो शक्तिवान हैं, उनकी बांह पकड़ो, उनका सहारा लो, और ऐसे ठाकुर की सेवा करो जो वहां पहुंचे हुए तुम्हें पहुंचा सकते हैं, जिनकी छाया में रहकर, जिनकी शरण में रहकर तुम संसार सागर से उबर सकते हो। गांव ऊंचे पहाड़ पर, किसी का गांव, किसी का घर ऊंचे पहाड़ पर हो तो कितनी भी बाढ़ क्यों ना आए, कितनी भी वर्षा क्यों ना हो, उसे अपना घर डूबने का कोई भय नहीं होगा।
बाढ़ आती है और शहर के शहर गांव के गांव बहा करके ले जाती है। कभी कभी ऐसी बाढ़ आती है अचानक गांव वाले लोग निश्चिंत होकर बेखबर एकदम बेसुध सो रहे हैं, ऊपर से कहीं बांध टूटा या भयंकर वर्षा हुई, खूब बाढ़ आई, अब सोते हुए गांव लोग सबको बहा करके ले गई। लेकिन किसी का घर ऊंचाई पर हो पहाड़ पर हो तब बाढ़ क्या बिगाड़ेगी उसके, वह एकदम निश्चिंत हो जाता है। ये तो उदाहरण है। यहां गांव से अर्थ घर से अर्थ ये सामान्य घर से नहीं है, अर्थ जीव का जो गांव है, जीव की जो जीव का विश्राम स्थल, जीव का जो स्थिति दशा है वह ऊंचे स्थल पर चैतन्य शिखर पर है, संसार में नहीं है। जो अपने चेतन शिखर पर आरूढ़ हो जाता है वह संसारिक बाढ़ संसारिक चिंताओं से निश्चिंत हो जाता है। जैसे किसी पहाड़ पर पहाड़ की चोटी पर चढ़े हुए आदमी को जमीन पर बने हुए घर मकान बहुत छोटे छोटे खिलौने जैसे जान पड़ते हैं, ऐसे ही जो अपने गांव पर अपने चेतना में स्थित हो जाता है, अपने आत्मा में स्थित हो जाता है, संसार के सारे भोग उसे एकदम निस्सार और तुच्छ जान पड़ते हैं। उसके लिए नहीं के बराबर हो जाते हैं। लेकिन उस चेतना शिखर पर आत्मस्थिति तक पहुंचना हर किसी के लिए संभव नहीं है। इल्लता कहते हैं और मोटा की बांह, मोटे की बांह पकड़ो। यहां मोटा से तात्पर्य शारीरिक रूप से जो मोटा आदमी उसके लिए नहीं है, यहां मोटा का अर्थ है बड़ा। यहां पर गुजराती प्रयोग एक प्रकार से है, गुजराती में मोटा का अर्थ ही होता है बड़ा। हम लोग बड़ा कहते हैं, वे लोग मोटा कहते हैं। हम लोग कहते हैं बड़े साहब, वो लोग कहते हैं मोटा साहब। तो वहां बड़े के लिए गुजराती में मोटा शब्द का ही प्रयोग होता है, और जिसे हम लोग मोटा कहते हैं अपनी भाषा में उसके लिए गुजराती में शब्द है जाड़ा। अरे वो जाड़ा मानस है, मोटा आदमी। तो मोटा की बां जो बड़े हैं उनकी बां, बड़ा कौन? या शारीरिक रूप से बड़ा नहीं है, या उम्र के हिसाब से बड़ा नहीं है, पद प्रतिष्ठा में बड़ा नहीं है, धन में बड़ा नहीं है। यहां बड़ा से तात्पर्य है आचरण से बड़ा, चरित्र से बड़ा, ज्ञान से बड़ा। जो ज्ञान वैराग्यवान जो संत हैं, सदगुरु हैं, उनकी बांह पकड़ो। इसलिए दूसरी पंक्ति में ताक पते कबीर ठाकुर से ये उबरिए जाकी छा, ए लोगों ऐसे ठाकुर का सेवन करो, ऐसे ठाकुर की भक्ति करो, सेवा करो, जिसकी छाया में रहकर, जिसकी शरण में रहकर संसार सागर से उबर सको। ठाकुर का अर्थ स्वामी, यहां ठाकुर से अर्थ है संत गुरु। इस पंक्ति में एक प्रकार से बंगला प्रयोग है, बंगला में संत महात्मा को ठाकुर ही कहा जाता है। हमारे यहां ठाकुर जी आए हुए हैं, मतलब संत आए हैं, गुरु आए हैं। तो जीव की स्थिति, जीव का विश्राम स्थल इस जड़ जगत से ऊपर आत्म स्थिति में है, वहां जाकर के जीव पूरी तरह से निश्चिंत और निर्भय हो सकता है, पूर्ण शांत सुखी हो सकता है। और वहां जाना ही है, वही विश्राम स्थल है। तो वहां जाने के लिए ताप कहते हैं जो विवेक वैराग्यवान बोधवान रहनी संपन्न संत गुरुजन हैं उनकी बांह पकड़ो,
उनकी शरण का सहारा लो। ऐसे विवेक वैराग्यवान जो संत गुरु हैं, उनकी शरण में जाओगे, उनका सहारा लोगे, तभी तुम इस संसार सागर से उबर सकते हो। संत गुरुजनों की शरण, उनकी संगति, उनकी शिक्षा, उनका साहचर्य, उनका सानिध्य, इसके बिना भवसागर से पार नहीं हुआ जा सकता। एक वही सहारा है जो आत्मस्थित संत हैं, वही तो दूसरे को आत्मस्थिति का रास्ता बता सकते हैं। वकील के पास जाएंगे तो वो वकालत की बात बताएंगे, डॉक्टरों के पास जाएंगे तो डॉक्टरी की बात बताएंगे, इंजीनियर के पास जाएंगे तो इंजीनियरिंग बात बताएंगे, राजनीतिक के पास जाओ तो राजनीतिज्ञों के पास तो राजनीतिक बात बताएंगे। जो जाको मरम न जाने सो ताको कह करा है, और जो जिसका मर्म नहीं जानता वो तो दूसरे को क्या बताएगा। ऐसे संतारी लोगों के पास जाओ तो आत्मस्थिति की बात, आत्मज्ञान की बात क्या बताएंगे। ये तो आत्मबोध संपन्न जो संत गुरुजन हैं, वही आत्मज्ञान की बात बताएंगे। साहब कहते हैं ऐसे जो आत्मबोध संपन्न हो और रहनी संपन्न विवेक वैराग्यवान हो, वही बड़े हैं, वही श्रेष्ठ हैं। ऐसे संत गुरुजनों का सहारा लेकर के इस भवसागर से पार हुआ जा सकता है। इसलिए साहब ने अन्य से कहा है, संत महंतों सुमरो सोई जो काल फांसते बाचा हुई। ऐसे संत महंतों का स्मरण करो जो काल की फांसी से बचे हैं। तेई साहेब के लागो साथा दुई दुख मेट सुना था। ऐसे साहेब के साथ लगो जिनके शरण में लग करके दुई दुख जन्म मरण या राग द्वेष के दुखों से मुक्त हो सको। इसलिए यहाँ मोटा और ठाकुर का अर्थ है विवेक वैराग्यवान संत, उनकी उपासना, उनकी भक्ति, उनके साहचर्य में लग करके ही इस भवसागर से पार हुआ जा सकता है और अपने आत्मसिद्धि तक पहुंचा जा सकता है।